हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए। भारी भीड़ के साथ यात्रा निकाले जाने और सुरक्षा के इंतजाम कमजोर होने को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने हिंसा के लिए हिंदुवादी संगठनों पर हमला बोला और दावा किया धार्मिक यात्रा में अगर कोई तलवार और डंडे लेकर यात्रा करता है तो ये सही नहीं है। बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय सांख्यिकी राज्य मंत्री हैं। वो लंबे समय से गुरुग्राम का प्रतिनिधित्व करते रहे। किसी दौर में वो कांग्रेसी थे लेकिन 2014 में वो बीजेपी में शामिल हुए। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे नूह की हिंसा से जुड़े सवाल पूछे गए तो उनका कहना था, किसने उनको इस यात्रा में ले जाने के लिए हथियार दिए थे? कोई तलवार लेकर जाता है यात्रा में? लाठी डंडे लेकर जाता है? कौन इस तरह की तलवारें और डंडे लिए रहता है? ये गलत है। उकसावे वाली कार्रवाई इस तरफ से भी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरी तरफ से गड़बड़ी नहीं हुई या उकसाने का प्रयास नहीं किया गया। गौरतलब है कि राव इंद्रजीत सिंह का ये रुख हरियाणा सरकार के रवैये से भी अलग है, जो अब तक नूह हिंसा के पीछे किसी साजिश की बात कहती रही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।